अब अमाउंट आपकी बन रही है 3,25,000, स्कैम आपके साथ किस तरह होगा? आपको कैलकुलेशन तो नहीं आती होगी, वो आपको बोलेगा भाई आपका बिल बना है 3,60,000, लेकिन आप मेरे पहले कस्टमर हो, बिस्मिल्लाह मैंने आपसे की है, बस बिस्मिल्लाह की बात है, बस 3,60,000 बन रहा था भाई, हम आपको 3,40,000 देंगे। आप खुश, यार 20,000 कैसे डिस्काउंट दिए, जबकि आप बुद्धू हो, आपको तो कैलकुलेशन ही नहीं आ रही। असल में कैलकुलेशन करते वक्त सोना आपका बनना है 3,25,000 का, वो अपनी कैलकुलेशन फालतू की लगा के 3,60,000 से 3,40,000 पे आ जाता है, आप खुश हो जाते 20,000 का डिस्काउंट दे दिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वैसे तो पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में भी बहुत से धोखे दिए जाते हैं एक आम आदमी को, और उनका जो हिलाल पैसा है वो हड़प कर लिया जाता है, लेकिन आज जो मैं स्कैम की बात कर रहा हूं ना, इसका मैंने नाम दिया गोल्ड स्कैम। और ये स्कैम ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनमें मैथ की नॉलेज की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है खास तौर पे मेरा स्टूडेंट अगर उसके साथ ये स्कैम हो तो मजा नहीं आएगा, तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना। अच्छा, ये स्कैम है क्या भाई? ये स्कैम सिंपल ये होता है कि अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहते हो, अगर आप लड़के हो खास तौर पे, तो या तो बेगम का जेवर लेना पड़ेगा, या बहन का जेवर, या बहन का वो जेज बन रहा होता है ना, ऐसा कुछ जो भी है, या माँ का जेवर, कहीं ना कहीं आपको गोल्ड लेना पड़ता है। तो जब आप गोल्ड परचेज करना चाहते हो ना, गोल्ड परचेज करने जाते हो मार्केट में, एक तो स्कैम आपके साथ ये होता है कि क्वालिटी आपको गलत मिलती है, 21 कैरेट का बोलकर 18 आपको दे देंगे, तो वो तो आप एक आम आदमी नहीं पहचान सकता कि 21 कैरेट और 18 कैरेट में फर्क क्या है, वो जो बेहतर जानते हैं जिनको नॉलेज है वही बता पाएंगे इसमें, तो इस स्कैम से तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इस स्कैम से अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि जब आप गोल्ड परचेज करने जाओ तो उस शॉप से जाओ, उस ज्वेलर से परचेज करो जो रेफरेंस के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने वहां से लिया हो, या आपके किसी रिश्तेदार ने वहां से लिया हो, ऑथेंटिक बंदा हो, तो ये स्कैम आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये धोखा आपको नहीं होगा वहां पे। मैं जो धोखा बता रहा हूं, या धोखा से अच्छा वर्ड है कि नॉलेज की कमी, कि जब आप गोल्ड परचेस करने जाते हो और आप गोल्ड को सिलेक्ट करते हो, तो जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो आपको बताता है इतना लाख आपका बिल बना है, तो उसके अंदर हेरा फेरी वो कर सकता है, उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता नहीं होंगी, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए कि यार ये ऐसा कौन सा मैथ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, किस तरह वो कैलकुलेट करके आपको एक अमाउंट दे देता है। कुछ गोल्ड कुछ ज्वेलर तो आपको बता देते हैं, लेकिन ज्यादातर गोल गोल कर रहे होते हैं, इतना अच्छा आपको समझाते नहीं है, उसके बारे में हम जरा सीखेंगे कैलकुलेट आपने किस तरीके से करना है। ये वो मैथ का पोर्शन है जो आपको लाजमी बताना चाहिए, और जो मेरी फील्ड है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक चीज ध्यान में रखो, गोल्ड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर जब गोल्ड आप मार्केट में जाते हो तो आपको ये टर्मिनोलॉजी सुनते हो कि यार 24K का मतलब यहाँ पे क्या होता है, K का मतलब कैरेट, 24, 22, इसी तरीके से 21, इसी तरह 18, ये वो कैरेट है जो ज्यादातर आप सुन रहे होते हो। सवाल ये होता क्या भाई, कैरेट सिंपल सी चीज होती है, ये गोल्ड की जो प्योरिटी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 99.99% प्योर गोल्ड होता है, उसके अंदर बाकी मेटल्स बाकी इंप्योरिटीज एड नहीं होती, प्योर गोल्ड होता है। और ये वाला गोल्ड जो है जेवर के लिए यूज नहीं होता, ये नॉर्मली आपने देखा होगा सेविंग के लिए लोग वो कॉइन्स रखते हैं, या बिस्किट जिनको आप बोलते हो, तो ये बस उसमें आप रखते हो सेविंग के तौर पे। इसमें आपकी ज्वेलरी, क्योंकि सॉफ्ट होता है, आप इसकी ज्वेलरी इतनी अच्छी बना नहीं सकते, बेंड हो जाएगा आसानी से, इसलिए ज्वेलरी के अंदर यूज नहीं होता। ज्वेलरी के अंदर जो ज्यादातर यूज होता है वो 21 कैरेट का होता है ज्यादातर, ठीक है। 22 कैरेट जो है इसमें आई गेस 91.6% कुछ गोल्ड प्योर गोल्ड होता है, बाकी अदर मेटल्स होते हैं। इसी तरह 21 में आई गेस 87% प्योर गोल्ड होता है, बाकी अदर होते हैं, और 18 में 75% प्योर गोल्ड होता है और बाकी अदर मेटल्स उन्होंने किए हुए होते हैं उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए। तो बेस्ट जो आपको गोल्ड मिलता है वो 21 कैरेट का मिलता है, जिनसे आप जेवर जो भी आप ले रहे हो तो 21 कैरेट के वो बन रहे होते हैं। तो ये कैरेट मैंने बता दिया, ये गोल्ड की प्योरिटी को बता रहा होता है कि गोल्ड कितना प्योर है। अब एक और कैरेट भी होता है, वो ये वाला होता है, ये ज्यादातर कैरेट आप डायमंड के अंदर यूज करते हो। ये कैरेट जो है ये मेजर मतलब वजन वेट का यूनिट है, ये कैरेट जो है ये तकरीबन 0.2 ग्राम का होता है। तो ये जब आप डायमंड लेना चाहते हो ना, या कोई भी स्टोन ले रहे हो जिनको जेम स्टोन्स कहते हो आप, उनके लिए नॉर्मली कैरेट का वर्ड आप यूज कर रहे होते हो, जबकि के वाला कैरेट जो है ये नॉर्मली गोल्ड के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा फर्क है, ये बताना चाहिए आपको। अब रही बात कि जो गोल्ड जब आप लेने जाते हो तो उसको मेजर किस यूनिट में किया जाता है, जैसे आप अगर आलू लेने जा रहे हो तो किलो में मेजर किया जाएगा, केले लेने जा रहे हो तो डजन में, इसी तरह अंडे तो वो भी दर्जन में आप कर रहे होते हो। तो जब ये लेने जाते हो, इसी तरह आपको ऐसी कोई दालें लेने जाओ तो शिटांग भी होता है, अगर आपने सुना हो, एक शिटांग बोलते हैं, शिटांग 50 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह ये जो अभी हम गोल्ड जब लेने जाते हो ना, तो नॉर्मली जो यूनिट होता है जब आप कोई भी सेट पसंद करते हो ना, तो उसका जो वजन है वो ग्राम्स के अंदर लिखा हुआ होता है, 2 ग्राम 3 ग्राम, क्योंकि रेट काफी ज्यादा है। अगर आप अभी बात करो ना पाकिस्तान में 25 मार्च 2023 को जो रेट है 21 कैरेट का, वो मैं मार्केट रेट बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट रेट अलग होता है और जो आपको गूगल पे नजर आता है वो अलग रेट होता है। तो 15,770 पर ग्राम का रेट चल रहा है।
अगर आप 21 कैरेट का गोल्ड ले रहे हो तो 1 ग्राम के आपको 15,770 रुपए देने पड़ेंगे, ये आज का रेट मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब जो भी गोल्ड होता है वो ग्राम के हिसाब से दिया जाता है, तो या तो ग्राम एक यूनिट होता है या एक बहुत ही मशहूर जमाना यूनिट होता है जिसको आप तोला कहते हो, ठीक है, ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा। एक तोला जो है ना, एक तोला के अंदर 11.66 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको कोई बोले एक तोला के इतने रेट है तो आपको पता होना चाहिए एक तोला के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 11.66 ग्राम होते हैं। बाकी बेसिक कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि दो तोला है तो कितने ग्राम होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 30 ग्राम है और आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो कितने तोला के बराबर है, तो 30 को डिवाइड कर दो 11.66 से, आपको पता चल जाएगा कितने तोला गोल्ड है आपके पास। तो ये यूनिट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम या तोला, ये दो ही टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही होती है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना, ये मैंने आप लोगों को पूरी बता दी। अब रही बात के जब आप गोल्ड सेलेक्ट करते हो, आप जाते हो, आपको कोई गोल्ड पसंद आ गया, ठीक है, तो अब वो कैलकुलेट करके आपको अमाउंट किस तरह बनाते हैं, जो वहां पे स्कैम भी होता है। सबसे पहले जो अच्छा ज्वेलर है ना, मार्केट रेट मैंने काफी घुमा हूं तो मुझे इतना पता है कि जो 21 कैरेट है ना, जब भी आप किसी गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हो तो ज्वेलरी बनाते हुए कुछ चीज आपकी वेस्ट होती है, कुछ गोल्ड आपका वेस्ट होता है जिसको वेस्टेज के नाम से बोल रहे होते हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं आपने 5 ग्राम का गोल्ड लिया है, कोई भी आपने ब्रेसलेट ले लिया, आपने चेन ले लिया, आपने अंगूठी ले ली, तो उसके अंदर वो बोलेंगे कि यार इतनी वेस्टेज है, वेस्टेज मतलब बनाते हुए इतना गोल्ड हमारा जाया हुआ है। तो नॉर्मली जो आप 21 कैरेट का गोल्ड लेते हो ना, उसमें 10% वेस्टेज लगाते हैं कि अगर 5 ग्राम है, 5 ग्राम का जो 10% है ना वो वेस्टेज होगी यहाँ पे। तो ये आपको बताना चाहिए, वेस्टेज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। 3 किस्म की अमाउंट है जो वो आपसे लेता है, एक तो गोल्ड की अमाउंट है, एक वेस्टेज होता है, और तीसरी चीज होती है मेकिंग। मेकिंग का मतलब वो अपने चार्जेस ले रहा होता है कि इस चीज को बनाने के चार्जेस कितने लगे हैं, तो मेकिंग का नाम उसको दिया जाता है। तो ये 3 किस्म के पैसे हैं जो आपसे वो ले रहे होते हैं। अब जरा एक एग्जांपल से समझते हैं कि हिसाब किस तरीके से चल रहा होता है। एक बेसिक एग्जांपल रखते हैं कि यार मेरे पास एक 5 ग्राम का गोल्ड है, ठीक है, 5 ग्राम का गोल्ड है, या 10 ग्राम या 15 ग्राम, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अब बिल किस तरीके से बनेगा, फॉर एग्जांपल मैंने 5 ग्राम डिसाइड कर लिए, मुझे 5 ग्राम का लॉकेट ब्रेसलेट कोई भी मुझे पसंद आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप टोटल गोल्ड यहां पे मालूम करोगे, टोटल गोल्ड क्या है, ये 5 ग्राम तो लॉक कर दो। अब इसके अंदर वो वेस्टेज ऐड करता है। अब वेस्टेज मैं वही बता रहा हूं कि कोशिश करो उस शॉप से गोल्ड जो 10% वेस्टेज लगा रहा है, क्योंकि नॉर्मली 2 किस्म की वेस्टेज लगाई जाती है, तो 10% या 15%। और अगर 10 और 15% में बहुत फर्क पड़ जाता है, अगर आप ज्यादा गोल्ड ले रहे हो, अगर आप 2 तोला का ले रहे हो बहुत फर्क पड़ जाएगा, 15-20 हजार का यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो आपने ध्यान से लेना है कि वेस्टेज में बहुत मैटर कर रहा होता है, जितना आप ज्यादा गोल्ड लोगे 10% 15% में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो कोशिश करो उस ज्वेलर से लो, क्योंकि नॉर्मली 21 कैरेट पे 10% बनता है, अनलेस कोई बहुत ही इंपोर्टेड कोई आप चीज ले रहे हो या बहुत छोटी कोई चीज ले रहे हो, उसमें कहते हैं यार 15% है। लेकिन नॉर्मली अगर आप 1-2 तोला ले रहे हो, बेसिक सा जो आप ज्वेलरी लेते हो, तो वो 10% वेस्टेज ही लगनी चाहिए। तो आपने इस चीज का मेक श्योर करना है कि वो आप उससे पूछो कि यार 10% नहीं तुमने लगानी है, 15% तुमने नहीं लगानी, इस चीज का आपने ख्याल रखना। तो सवाल ये कि अगर आपने 5 ग्राम की कोई भी चीज पसंद की है तो वो कहेगा इस पे 10% वेस्टेज है। अब सवाल ये कि 10% निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी अमाउंट का अगर आपने 10% या कोई भी परसेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का आपने 10% निकालना है, तो आप यहां पे 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10/100 से, 10% है ना, तो 10 को डिवाइड करो 100 से, और जिस अमाउंट का आपने निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का 10% क्या होगा, सिंपल अगर आप निकालना चाहते क्या हो जाएगा, 5/100 जो है ये 20 होता है, मतलब 1/20, 10 को डिवाइड करो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5। कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर है ना, आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 10% को अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो 0.10 बनता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 15%, तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट है ना, फॉर एग्जाम्पल 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 0.15 से। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला 10%, तो जो आपके पास अमाउंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.10 से, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि कितना बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 5 को आप 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 मतलब 0.5 मिलेगा। तो जो भी आपने गोल्ड लिया है ना, इसके अंदर सबसे पहले वो वेस्टेज ऐड करेगा। अगर वो 10% है तो इस अमाउंट को 10% से मल्टीप्लाई करेगा और वो वेस्टेज लिखेगा सबसे पहले, तो 0.2 ग्राम तो वेस्टेज है। तो जो आपका गोल्ड है और जो वेस्टेज है उसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5.2 ग्राम। यहां पे आपने सही तरीके से हिसाब करना है, क्योंकि अगर वो 15% लगाएगा तो आपका गोल्ड ज्यादा बनेगा, आपको ज्यादा पैसों का देना पड़ेगा। तो कोशिश करना 10% लगाए, जो अमाउंट है मैंने बता दी, 10% कैसे निकालते हैं, 0.10 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। उसके बाद आप ऐड कर दो तो टोटल आपको गोल्ड मिल जाएगा। अगर ऐड करने से आप बच रहे हो, डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है कि अगर 5 ग्राम पे 10% लगाने के बाद जो आपका गोल्ड बन रहा है, मतलब इससे अगर आप डायरेक्ट यहां पे आना चाह रहे हो, तो इसका भी बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है,
5 को मल्टीप्लाई कर दो, पहले आप 0.10 से कर रहे थे ना, अब 1.10 से कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास 5.2 ग्राम आ जाएगा। यहां पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने 20 ग्राम का गोल्ड लिया है और आपको वो बोल रहा है कि 15% वेस्टेज लगेगी, तो जस्ट आप 20 को मल्टीप्लाई कर दो 1.15 से, अगर 10% है तो 1.10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो अब आप पे वो 15.5 का रेट ही लेगा, वो वेस्टेज ऐड करने के बाद जो गोल्ड बना ना उस पे वो रेट आपसे लेगा, ठीक है। तो एक तो ये होगा, तो 5.2 को आप सिंपल क्या करोगे, जो उस दिन गोल्ड का रेट चल रहा होगा उनके रेगुलर गोल्ड का रेट चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल आज की अगर बात करें तो पर ग्राम का रेट क्या है, 15,770। तो अगर इतना ग्राम है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15,770 से, अब जो भी अमाउंट बन रही होगी वो आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब जो भी अमाउंट होगी उसके अंदर क्या करेगा, वो एक मजीद चीज ऐड करेगा, और ये क्या होगा, इसको वो मेकिंग बोलेगा। अब वो डिपेंड करता है, जितनी छोटी चीज है 500,000 मेकिंग दी जा रही होती है उसकी। अगर फॉर एग्जांपल 2 तोला आपने गोल्ड लिया, मैं अपने हिसाब की बात करूं तो 2 तोला पे मैंने 6,000 मेकिंग दी थी, 6,000 एक्स्ट्रा चार्जेस लगे थे। तो अब इसमें लोग खेल रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार हमने 10% लगाया वेस्टेज और मेकिंग हमने 5,000 ली है, लेकिन जो अमाउंट दे रहे होते हैं वो अमाउंट ज्यादा होती है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो आप फंस जाओगे। चाहिए मैं एक और एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 18.280 का गोल्ड है, 18.280 ग्राम का ये आपने सिलेक्ट किया। अब सबसे पहले वो कहेगा यार वेस्टेज, आपने बोला है 10% लगाओ, 21 कैरेट का 10% लगाओ, कोई तुम्हारा खास गोल्ड नहीं है कि जो तुम 15% लगा रहे हो, तो 10% वेस्टेज कैसे निकालोगे, सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको आप 18.280 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.10 से, तो डायरेक्ट वेस्टेज ऐड होके आ जाएगी, क्या गोल्ड बनेगा 20.108, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 20.108। तो अब 18 ग्राम का जो आपने 18.28, क्योंकि यहां पे पॉइंट बड़ा मैटर कर रहा था, आप गोल्ड की शॉप पे जाओ 0.3 डेसिमल तक बात कर रहा होता है, तो 18.280 इस पे 10% जब आप लगाओगे तो क्या बनेगा 20.108। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये ग्राम है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट से 15,770। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15,770 से, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3,17,000, यहां अमाउंट क्या बन रही है 3,17,103, और पॉइंट में बन रही है उसको फिलहाल स्किप कर दो। तो ये वो अमाउंट है जो विदाउट मेकिंग है। इसके बाद आप उसे पूछ लो भाई कितनी मेकिंग ले रहे हो, नॉर्मली जब आप इतना गोल्ड लो तो मेकिंग 7-8 हजार ही होती है, इससे कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, 7-8-9 मैक्सिमम 10 होती है। तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे 3,17,000 में, फॉर एग्जाम्पल 8,000 से मेकिंग ली है, तो आपकी अमाउंट बन जाएगी 3,25,000। अब अमाउंट आपकी बन रही है 3,25,000। स्कैम आपके साथ किस तरह होगा, आपको कैलकुलेशन तो नहीं आती होगी, वो आपको बोलेगा भाई आपका बिल बना है 3,60,000, लेकिन आप मेरे पहले कस्टमर हो, बिस्मिल्लाह मैंने आपसे किया है, बस बिस्मिल्लाह की बात है, बस 3,60,000 बन रहा था भाई, हम आपको 3,40,000 देंगे। आप खुश, यार 20,000 कैसे डिस्काउंट दिए, जबकि आप बुद्धू हो, आपको तो कैलकुलेशन ही नहीं आ रही। असल में कैलकुलेशन करते वक्त सोना आपका बनना है 3,25,000 का, वो अपनी कैलकुलेशन फालतू की लगा के 3,60,000 से 3,40,000 पे आ जाता है, आप खुश हो जाते 20,000 का डिस्काउंट दे दिए। तो इसका मतलब मैथ की कमी है, अगर आपको मैथ आता होगा तो आप बेहतर जानते हो कितना बिल बन रहा है आपका, और आप उससे पूछोगे यार मेकिंग कितनी लगाई है, कमी लगाना भाई मेकिंग, वेस्टेज कितनी है भाई, कमी लगाना 10% लगाना। इस तरह है कि आपका धोखा काफी रिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप ज्यादा गोल्ड लेते हो तो 5-10 हजार तो पता ही नहीं चलता, ऐसे खींच लेते हैं आप लोगों से, तो ये चीज का ख्याल रखना। बाकी मैंने पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को बता दी है, कोई और सवाल हो तो जरूर पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।